आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, किसी टेबल के ऊपरी पृष्ठ पर एक पिन को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। एक पिन को 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है। 12 सेंटीमीटर मोटी आयताकार पट्टी की को टेबल के पृष्ठ के समांतर पिन एवं नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूरी पर दिखाई देगा। कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। क्या इस प्रश्न का उत्तर पट्टी की अवस्थिति पर निर्भर करेगा, हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक टेबल है, ठीक है। मान लीजिए ये एक टेबल है, इसके ऊपर हमने एक पिन रखी है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक ये पिन रख दी है, ठीक है। और ये पिन को, पिन के ऊपर हमने एक आयताकार पट्टी हमने रखा है, ठीक है। तो पहले बोला जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जा रहा है, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर मोटी पट्टी को इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से रख दिया जा रहा है और इसे ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही आयताकार पट्टी इस पर रख देंगे तो अपवर्तन के कारण इसका हमें एक आभासी प्रतिबिंब हमें थोड़ा इसके जगह से विस्थापित होकर प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो जब हम इसके बीच में हम रखते रहे आयताकार पट्टी, तो अब पिन नेत्र से कितनी दूरी पे दिखाई देगा, ठीक है। अर्थात उसका आभासी प्रतिबिंब अब हमें कहाँ दिखाई देगा। तो कांच की पट्टी की जो मोटाई है टी बराबर, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक हमें म्यू बराबर दिया हुआ है 1.50। तो पहले तो हम निकालते हैं कि वह दूरी जिससे पिन उठी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो आभासी विस्थापन क्या होता है, मान ले रहे हैं कि वाई हो तो, ठीक है। तो विस्थापन मतलब पहले जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है, जितनी दूरी पे हमें एक पिन को हम 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देख रहे थे, ठीक है, और उसे 12 सेंटीमीटर मोटी आयताकार पट्टी से को टेबल के पृष्ठ के समांतर एक नेत्र के बीच में रख दिया जा रहा है। मतलब ये जो दूरी थी ये कितनी थी, ये 30 सेंटीमीटर थी। अब जब हम इसे में आयताकार पट्टी रखते रहे तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो दूरी अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो उसका विस्थापन निकल जाएगा कि आयताकार पट्टी के द्वारा विस्थापन कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि विस्थापन कितना हो रहा है इस आयताकार पट्टी के द्वारा। तो इसे हम डेल्टा डी से अगर हम सूचित करें, या फिर डी से सूचित कर सकते हैं विस्थापन को, ठीक है, डी से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सूत्र होता है टी माइनस, ये होता है 1 माइनस 1/μ इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पे देखिए मान रखते हैं 1 माइनस 1/μ कितना है, 1.50 गुने 12, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो देखिए अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसका विस्थापन कितना हो जा रहा है, पहले से 4 सेंटीमीटर, मतलब वो हमें क्या दिखाई दे रहा है ऊपर। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि अगर हम अब नेत्र से देख रहे हैं इसे उतनी ही दूरी से, तो कहाँ पे दिखाई देगा। तो पहले हमें 30 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो अब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, वास्तविक ऊंचाई माइनस क्या हो जाएगा, आभासी ऊंचाई। तो वास्तविक ऊंचाई उसकी 30 थी, ठीक है, और आभासी उसका प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है, अब वो 4 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो रहा है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 26 सेंटीमीटर पे अब हमें ऊपर से दिखाई देगा ये पिन, ठीक है, जब हम आयताकार पट्टी को रखते रहे तो, ठीक। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि क्या इस प्रश्न का उत्तर जो वो उत्तर उत्तर जो है वो पट्टी की अवस्थिति पे निर्भर करेगा। तो देखिए यहाँ पे उसकी अवस्थिति पे निर्भर नहीं करेगा, किस पे निर्भर कर रहा है, इसके अपवर्तनांक और इसके मोटाई पे, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।